वही आज फिल्में फ्राइडे में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसके मेन लीड में है सोनम कपूर, राजकुमार राव, अनिल कपूर, जूही चावला, इस तरह और भी कई कलाकार, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर है शाली चोपड़ा धर। और हमारी संवाददाता कविता चौहान ने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आए लोगों से बात की। चलिए जानते हैं क्या कहना है उनका। डैडी जी, हम लोगों को ना जल्दी से स्वीटी की शादी करनी पड़ेगी। मुंडा के आसमान से टपकेगा। और बतेरे मुंडे मिल जाने हैं। आज फिल्मी फ्राइडे में रिलीज हो चुकी है फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस फिल्म के मेन लीड में है सोनम कपूर, अनिल कपूर, राजकुमार राव, जूही चावला आदि। फिल्म को डायरेक्ट किया है शैली धर ने। इस फिल्म की कहानी काफ़ी हटके है। ये कॉन्सेप्ट आज के नए ज़माने की सोच को दर्शाता है। फिल्म की कहानी अच्छी तो है, लेकिन कुछ लोगों को डाइजेस्ट करने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो। अगर बात करें एक्टिंग की, तो सारे किरदारों ने अपनी एक्टिंग बखूबी निभाई है। राजकुमार राव एज यूजुअल एक शानदार एक्टर हैं, और इस बार फिर उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनसे बेहतर एक्टिंग कोई नहीं कर सकता है। जूही चावला और अनिल कपूर की जो केमिस्ट्री फिल्म में देखने को मिलती है, वो काफ़ी हटके है। जहाँ पे ये फिल्म आपको हंसाती है, तो वहीं आपके आंखों में आंसू भी ला सकती है। फिल्म की कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी है, फिल्म का जो म्यूज़िक है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये फिल्म हमारी तरफ से है थम्स अप। तो चलिए जानते हैं जयपुर के लोगों से, जो ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आ चुके हैं, उनका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है। बहुत अच्छी थी। कौन सा बड़ा हटके है इस फिल्म का, क्या कहेंगे? डिफरेंट है। कितने स्टार्स देंगे इस फिल्म को आउट ऑफ 5? 3.5। आप बताइए, इसमें एक्टिंग कैसी लगी सारे एक्टर्स की? एक्टिंग बहुत अच्छी है, एंड काफ़ी अलग है जो इस सोसाइटी की थॉट्स हैं उससे, तो kind of